मॉस्को में हलचल तेज है। पुतिन के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको मॉस्को पहुंचे हैं, लेकिन जैसे ही उनकी मुलाकात पुतिन से हुई तो एक नया अपडेट सामने आया। एक ऐसा राज सामने आ गया जिससे दुनिया सख्ते में है। और क्या हो है वो राज, और आखिर लुकाशेंको ने क्यों खोला अपने ही दोस्त का राज, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या युद्ध ने पुतिन को थका दिया है? क्या जंग ने पुतिन को कर दिया है बीमार? क्या बीमार पुतिन फोड़ेंगे एटम बम? अमेरिका के साथ रूस की ठनी हुई है, परमाणु युद्ध की तैयारियां की जा रही हैं। खबरें हैं कि पुतिन ने अपने न्यूक्लियर ट्रायड की तैनाती को हाई अलर्ट पर रख दिया है और समंदर, हवा और जमीन से नाटो के साथ जंग की पूरी तैयारी कर ली है। जून के आखिर तक बेलारूस में एटम बमों की तैनाती का काम पूरा कर लेने का टारगेट रखा है, यानी जुलाई में कुछ भी हो सकता है। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। पुतिन क्या सोच रहे हैं इसका अंदाजा पुतिन के सबसे पुराने दोस्त लुकाशेंको को भी नहीं, सब सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच में लुकाशेंको मिन्स्क से निकलकर मॉस्को पहुंचे और पुतिन से जब उनकी मुलाकात हुई तो सामने आया एक ऐसा सच जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। लुकाशेंको का इस तरह से पुतिन से मिलना और उन्हें थका हुआ कहना दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि कहीं ना कहीं पुतिन की सेहत ठीक नहीं है। वैसे भी पुतिन की सेहत को लेकर कई बार दावे किए जाते रहे हैं कि उनकी तबीयत सही नहीं रहती, उन्हें कैंसर है, उन्हें पार्किंसन है। ऐसे ही तमाम दावे पुतिन की सेहत को लेकर किए जाते रहे हैं। और जब मॉस्को में लुकाशेंको और पुतिन की मुलाकात हुई तो लुकाशेंको ने वो बात कह दी जिससे पुतिन की सेहत पर संदेह बढ़ गया। लुकाशेंको से मिलने के दौरान जब पुतिन कुर्सी पर बैठे थे वो अपने बाएं पैर के पंजे को भी बार बार इस तरह से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे जैसे उन्हें उसमें कुछ तकलीफ महसूस हो रही है। पुतिन के आलोचकों का दावा है कि पुतिन के पैर में कोई तकलीफ जरूर है, क्योंकि इससे पहले जब युद्ध के दौरान पुतिन क्राइमिया के दौरे पर गए थे तो वो लंगड़ाते हुए नजर आए थे। तब भी यही दावा किया गया था। और अब जैसे ही लुकाशेंको पुतिन से मिलने क्रेमलिन में पहुंचे, उन्होंने जिस तरह से पुतिन की थकान पर टिप्पणी की उससे भी कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि 70 साल के पुतिन की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है। हालांकि लुकाशेंको ने आखिरी लाइन में इसे संभालने की कोशिश की और कहा कि एक राष्ट्रपति के तौर पर थके होने की बात कही जिसके कंधे पर पूरे रूस का बोझ है, और वो भी वो रूस जो ना सिर्फ यूक्रेन में जंग लड़ रहा है बल्कि पूरी दुनिया से छद्म युद्ध लड़ रहा है। खास तौर पर नाटो के साथ तनातनी में लगातार इजाफा हो रहा है और उसकी तैयारियां किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को थका सकती है।